हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल. दिस इज पोएम सिक्स्थ अमांडा. द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबिन क्लेन. लेट्स स्टार्ट द पोएम. दिस पोएम डिपाइज द स्टेट ऑफ अ लिटिल गर्ल्स माइंड हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट द डूज एंड डोंट्स बी बाय हर एल्डर्स. ये कविता जो है ये एक छोटी सी बच्ची की, लड़की की, जो मन की स्थिति होती है, जो उसके मन में होता है, माइंड का स्टेट जो होता है, उसके बारे में दर्शाया गया, दिखाया गया है कि उसके एल्डर्स जो होते हैं उसको हमेशा बोलते रहते हैं उसके बड़े कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. शी इज टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट. उसको ये बोला जाता है कि उसको अपने कंधे उचकाने नहीं चाहिए और सीधे बैठना चाहिए. शी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क एंड टू टाइडी हर रूम. उसको उसका होमवर्क फिनिश करने के लिए बोला जाता है और उसका रूम क्लीन करने के लिए बोला जाता है. शी इज फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग ए चॉकलेट दैट शी हैज. उसको एक चॉकलेट जो उसके पास होती है उसको खाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके दांतों में कीड़े लग सकते हैं. बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन. पर पूरी कविता में ये जो लड़की है ये हमेशा से ये ड्रीम करती रहती है कि उसकी एक लाइफ होगी जो कि ओपन होगी, फ्रीडम होगी, जहां पर उसको स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी कोई भी चीज करने की. शी ड्रीम्स ऑफ द मोमेंट्स इन द सी. वो जो सी में, समुद्र में मोमेंट्स होती हैं जो मछली की तरह लगती हैं, उनके बारे में सोचती रहती है. रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी स्ट्रीट एंड द गोल्डन हेयर्ड रैपंज़ल हु लिव्ड अलोन इन द हाई टावर. वो के हमेशा अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकती हैं, कहीं भी रोम कर सकती हैं, घूम सकती हैं. और रैपंज़ल जो कि एक टावर पे अकेली रहती है, वो भी अकेले रहना चाहती है. शी टेक्स नो नोट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड टू हर. वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि उससे क्या कहा जा रहा है. देन शी इज रिबुक्ड फॉर बीइंग मूडी एंड स्लकिंग ऑल द टाइम. फिर उसको इसी बात के लिए डांटा जाता है कि वो हमेशा नाराज और चिड़चिड़ी बनी रहती है. जिस तरीके से घर पे सभी लोग बच्चों को डांटते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो उनके मन में भी आता है कि काश कि हमारी लाइफ में भी फ्रीडम होती, हम अपनी मर्जी से कुछ कर पाते. उसी तरीके से अमांडा नाम की लड़की जो है वो भी ड्रीम करती है कि उसको भी स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, यहाँ से इन लोगों की बातें मुझे ना सुननी पड़े. और जब चाहे उसका मन करे होमवर्क करने का, जब चाहे ना करे, वो जब अपनी मर्जी से रहे, कैसे भी रहे, उसका रूम साफ हो ना हो, उसको एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस ना दे. तो वही सारी चीजें पोएम में बताई गई हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास. हैव अ गुड डे.